Today we will be starting with the occurrence or the extraction of the metals. Before that, we should know some definitions. First, we will do some definitions such as the first is metallurgy. Metallurgy kya hoti hai? The science of metals, like from where it is extracted, the occurrence, the impurities in the metals, that comes in the metallurgy. Okay, next we'll study about the ores. The minerals from which we can extract the pure metals. Hum pure metals kahan se nikal sakte hain? From the ores. Now what are minerals? Minerals kya hote hain? Next is what are minerals are the compounds which we get from the earth crust. Earth ke crust se jo hume cheeze milti hain naturally occurring, unko hum kya bolte hain? Minerals bolte hain. Natural compounds. Okay, next is gang particles. These are the impurities present in the ores. जो impurities ores में होती हैं, in the form of sand, mud, etc. Next is concentration or enrichment. This is the process by which we can remove the gang particles from the ores. The process by which the gang particles can be removed from the ores. Let's start with the extraction of the metals. Now we'll take any of the ore of any of the metal. Aapko pata hai ki ores kya hote hain? They are impure forms hote hain. Inme se humne gang particles ko nikalna hai, so we'll go for concentration of ores. And concentration of ores अभी हमने पढ़ा, what is that? The removal of the gang particles. So इस process में क्या होगा? हमारा gang particles from the ores, they will be removed and will get the pure ores. I'll repeat, हमने ores लिया, ore के impure form थी, then we did the concentration of the ores. उसमें से हमने क्या निकाल दिया? गैंग पार्टिकल्स हमारे निकल गए हैं. देन वी गॉट द प्योर फॉर्म ऑफ द ओर्स. नाउ इसके बाद हम ओर्स से हमने अपने मेटल्स को निकालना है. नाउ मेटल्स हमने पढ़ा है कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. उन तीनों का अलग अलग प्रोसेस है हमारे पास. सपोज हम तीन प्रोसेस में उनको डिवाइड कर लेते हैं. हाईली रिएक्टिव, यहाँ हम पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन. हेयर द मॉडरेट एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स. फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द मॉडरेट मेटल्स. फर्स्ट वी विल बी डूइंग द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स. सपोज हमने जिंक ले लिया, ठीक है. इट कैन बी प्रेजेंट इन द इट इज फाउंड इन द टू फॉर्म्स. आइदर द मेटल सल्फाइड और नेक्स्ट कैन बी मेटल कार्बोनेट. नाउ हमने यहाँ मेटल जिंक लिया है, सो वी विल टेक जिंक हियर ऑल्सो, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट. अब इनके फर्दर दो प्रोसेसेस हैं. नाउ अगर हमारे पास मेटल सल्फाइड है, विल गो फॉर द प्रोसेस रोस्टिंग.
अब रोस्टिंग क्या होती है, जनरल मीनिंग क्या होता है रोस्टिंग का, किसी चीज़ को रोस्ट करना, जलाना. ओके, आई विल टेक जिंक सल्फाइड, उसमें हमने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स बर्निंग ऑफ फायर. ओके, उसको हमने हीट अप कर दिया. उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड मिल गया प्लस SO2. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट आया है तो हम क्या करेंगे, तो हम एक प्रोसेस होता है कैल्सीनेशन. कैल्सीनेशन में क्या होगा, हम इसको हीट अप करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे. यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड अप हो गई हमारे रोस्टिंग में, वेयर एज इन द कैल्सीनेशन द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द जिंक कार्बोनेट. यहाँ से हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन रिमूव होके हमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब दोनों साइड हमने देखा कि वी हैव गॉट द मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. इन बोथ द प्रोसेस वी हैव गॉट मेटल ऑक्साइड. अब नेक्स्ट फर्दर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को किसी चीज़ से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक इन द लोअर क्लासेस हमने पढ़ा रिडक्शन, विल गो फॉर रिडक्शन. मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन कैसे करेंगे, विल ऐड कॉक टू इट. हमने एग्जाम्पल जिंक का लिया है तो ZnO प्लस कॉक, इट विल गिव अस Zn प्लस O2. उसके बाद हमारे पास जो जिंक आया है इट मे नॉट बी इन द प्योर फॉर्म, उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम फर्दर प्रोसेसेस करते हैं लाइक इलेक्ट्रोलिसिस. एक बार फिर से एग्जांपल लिया है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, हमने एग्जांपल ले लिया जिंक का. इट कैन बी फाउंड इन द टू फॉर्म्स, मेटल सल्फाइड और द मेटल कार्बोनेट. मेटल सल्फाइड जैसे हमने एग्जांपल जिंक का लिया, वी कैन से जिंक सल्फाइड एंड हियर जिंक कार्बोनेट. For the zinc sulfide, we go for the process of roasting. Roasting, what happens in the roasting? The metal sulfide, it is heated up with the oxygen and it produces metal oxide. Here we have taken zinc, so it will be zinc oxide. Plus there will be SO2. And on the other side, where we have metal carbonate, we'll go for the process of calcination. In calcination, the oxygen is removed from the compound. Compound se humne oxygen ko remove kar diya. रिमूव करने के बाद हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ गया, दैट मेटल ऑक्साइड इज जिंक ऑक्साइड. ऑन बोथ द साइड वी हैव गॉट जिंक ऑक्साइड. नाउ व्हेन वी हैव गॉट द मेटल ऑक्साइड और द जिंक ऑक्साइड, टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल वी विल गो फॉर द रिडक्शन प्रोसेस. नाउ फॉर द रिडक्शन प्रोसेस वी नीड एनीथिंग विच कैन रिड्यूस और विच कैन रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल. नाउ वी आर यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट एज कॉक, हमने कॉक को ले लिया. Coke will remove the oxygen from the zinc and it will produce zinc. But this zinc which we have got, that is not in the pure form. Wo pure form mein nahi hota. So for the pure form, we'll go for the process of electrolysis. This was about the moderate reactive aluminum. Now for the least reactive metals, we'll go for the process of roasting. Why we'll go for the process of roasting? Because for the least reactive metals, they are found in the फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड. और हमने अभी सल्फाइड वाला पढ़ा कि इन द सल्फाइड व्हेन वी गेट द मेटल सल्फाइड वी गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग. रोस्टिंग के बाद हमने उसमें क्या किया था, रिड्यूसिंग किया था एंड द थर्ड प्रोसेस विल बी इलेक्ट्रोलिसिस. और रिफाइनिंग
लीस्ट रिएक्टिव में हम फर्स्ट प्रोसेस इज रोस्टिंग, दैट इज बर्निंग दैट मेटल और गिविंग ऑक्सीजन और हीटिंग अप दैट मेटल, एंड दैट विल मेक अ दैट मेटल एज मेटल ऑक्साइड. देन वी विल गो फॉर रिड्यूसिंग, वी विल रिड्यूस दैट ऑक्सीजन और वी विल रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल, एंड देन द मेटल विच वी विल रिसीव दैट वॉन्ट बी इन द प्योर फॉर्म. फॉर दैट, फॉर गेटिंग द मेटल इन द प्योर फॉर्म, विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हाईली रिएक्टिव मेटल्स. Example, NaCl. We don't have so many processes we have studied that won't be coming in this highly reactive metal. Only one process is there, that is electrolysis. For the highly electro reactive metal, we have only one process, and that is electrolysis. Our next topic is the electrolysis process. How we can separate the metals with the help of electrolysis process. Extraction of metals with the help of electrolysis process. We have taken a source here and connected this positive terminal to anode, negative to the cathode. And we have taken molten NaCl. And we are extracting here sodium and chlorine. Here we have the molten NaCl. Now, as the electricity will pass, it will change into ions, Na plus ions and Cl negative ions. As it is positive, so the chlorine will go here, and sodium will be deposited here on the cathode. And chlorine here, it will accept the electron from it and it will get a negative charge. When two chlorine atoms will be there, then we can see bubbles here and will come to know that the chlorine is or deposited here on the anode, and the sodium, it will release one electron and it will deposit on the cathode. By the process of electrolysis, now we'll study ki how we can get the pure copper. Now we have taken two electrodes, the impure copper here and the pure copper here. Now as the electricity will pass, here we have the solution of copper sulfate. As the electricity will pass, what will happen? It will release Cu2 plus ions and SO4 2 negative ions. And SO4 being negative, it will deposit here, and copper, it will get deposited here. Now the pure copper from here, it will start releasing from here into the water, and from the water again it will deposit on this electrode. And the impure form, that is the anode mud, it will be deposited here at the bottom. And we'll get the pure copper here, and SO4 will be deposited here, and the anode mud will be at the bottom of this beaker.